हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहले पार्ट के अंदर हम करंट के माइक्रोस्कोपिक व्यू के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो थ्योरी है वो डेवलप हुई, और उसके जरिए हम पहुंचेंगे हमारे जाने पहचाने ओम्स लॉ तक, राइट। फिर उसके बाद में हम रेजिस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, सेल्स के बारे में बात करेंगे, सेल्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब एक सर्किट के अंदर जितनी भी डिवाइसेस यूज होती है, बेसिक एलिमेंट्स जो यूज होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर। और सेकेंड पार्ट के अंदर हम पॉपुलर इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। सो ये दोनों वीडियो जो है वो कुल मिला के आपके चार क्वेश्चन जो है वो सही करवा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की बिना किसी देरी के, राइट। चलो, तो ऐसा कुछ हमारा कंसेप्ट मैप रहेगा। आप बच्चों का काम मुझे करना पड़ रहा है, बट आई एम रियली एंजॉयिंग इट कि आप लोग इसको अच्छे से कैरी कर पा रहे हैं। एक पेज के ऊपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का फायदा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, आपको बेटर लिंकिंग ऑफ कंसेप्ट जो है वो डेवलप होती है। तो शुरुआत करते हैं आज के कंसेप्ट मैप की, राइट। सबसे पहले हम करंट के बारे में बात करेंगे। करंट, अगर एवरेज करंट के बारे में बात करी जाए, तो टोटल चार्ज को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, आपको एवरेज करंट मिल जाएगी। बट इंस्टेंटेनियस करंट की बात करी जाए, तो आपको चार्ज जो है वो नॉर्मली टाइम के फंक्शन की फॉर्म में दिया जाएगा, तो आपको चार्ज का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ दे दिया जाए, तो मैंने बताया था ग्राफ वाले वीडियो के अंदर कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो आप स्लोप निकाल लेना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट करेगी। या अगर आपको करंट टाइम की फॉर्म में दे दिया जाता है और चार्ज के बारे में पूछा जाता है, तो आप करंट का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर दी कर्व ऑफ आई टी ग्राफ। तो करंट के ऊपर कई बार छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, राइट, और उसी को बच्चे ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि यहां पर ये दो चीजें जो है वो ग्राफ वाले सेक्शन से उठा के जोड़ी गई है और बच्चे भूल जाते हैं। बट मोस्ट वांटेड सीरीज के जो बच्चे हैं वो इसको जरूर ध्यान रखेंगे, राइट। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग द मोशन ऑफ चार्ज। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोशन ऑफ चार्ज की जो डायरेक्शन है उसमें अक्सर इसकी डायरेक्शन मानी जाती है, तो उसकी डायरेक्शन में एरिया का जो भी वेक्टर होगा उसको करंट से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, करंट डेंसिटी मिल जाएगा। या फिर उल्टा कर लो, करंट जो होगा वो करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया के इक्वल होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा करंट, राइट। तो ये आपका कोई सरफेस एलिमेंट है डीएस, और यहां पर करंट डेंसिटी की वैल्यू जी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो जे डॉट डीएस की वैल्यू हो जाएगी जे टाइम डीएक्स कॉस थीटा। अगर आप किसी बड़ी सरफेस के बारे में बात कर रहे हो, तो टोटल करंट निकालने के लिए आपको फिर इंटीग्रेशन का सहारा करना पड़ेगा। बट मैंने आपको पहले भी बताया है, नीट के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंटीग्रेशन की नौबत जो है वो नहीं आने दी जाएगी क्वेश्चंस के अंदर। ड्रिफ्ट स्पीड, एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्शंस के अंदर क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। कहाँ से आती है उनके पास एनर्जी? थर्मल एनर्जी, जो टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर होता है, उस पर थर्मल एनर्जी की वजह से वो रेंडमली अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मोशन करते हैं। बट उनकी थर्मल वेलोसिटीज का जो एवरेज है वो हमेशा कितना निकल के आता है, जीरो, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हो, यानी कि इस कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, तो अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगने लगता है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो रैंडम होने के साथ साथ, अगर आप दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में देखोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी दिखाई देगी जो रिजल्टेंट मोशन है। तो उनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में, ठीक है, उसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। तो नॉर्मली ये एवरेज क्वांटिटी है, और वी आपको पता है यू प्लस ए टी के इक्वल होता है। यहां पर यू तो थर्मल एनर्जी है, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी होती तो थर्मल एनर्जी तो थी इनिशियली। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो ई ई डिवाइडेड बाय एम होगा। हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कैसे चार्ज के ऊपर एक्सेलरेशन वगैरह निकाला जाता है,
और टाइम का एवरेज जो है वो मैंने, ये एवरेज का साइन होता है राइट। खैर हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना, हमें पता है थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज कितना होगा, जीरो। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो होगी वो माइनस ई टाउ अपॉन एम टाइम्स ई के इक्वल हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये ऑब्वियस भी है, जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और उतना ही ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो मूव करेंगे। ये जो कॉन्स्टेंट है ई टाउ अपॉन एम, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, ये मोबिलिटी कहलाता है कि कितने मोबाइल हैं आपके चार्ज कैरियर्स, ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये सारी की सारी चीजें अक्सर पूछी जाती है। तो आप इसका फॉर्मूला ध्यान रख लो। टाउ जो है यहाँ पर ये रिलैक्सेशन पीरियड कहलाता है, ये एवरेज टाइम है जो कि इलेक्ट्रॉन को दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में लगता है, और इस टाइम के दौरान जो पाथ ट्रेवल करता है उसको मीन फ्री पाथ बोला जाता है। इसकी जो थ्योरी है ना ये बिल्कुल मैच करती है जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी, वहां पर बिल्कुल वैसी की वैसी है राइट। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो और ज्यादा फ्रीक्वेंटली कोलाइड करने लगेंगे, यानी कि उनकी दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम पीरियड है यानी कि रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना रिलैक्सेशन टाइम पीरियड डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब बात करें कि चलो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करने लग गए तो उसी की वजह से करंट जनरेट होती है, तो करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, वो रिलेशन होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन यहां पर चार्ज कैरियर डेंसिटी है, मतलब कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अवेलेबल है। ई यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए एरिया है, और वी डी तो ड्रिफ्ट स्पीड है ही। तो करंट ड्रिफ्ट स्पीड की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फॉर अ गिवन वायर, ठीक है ना। सारी चीजें उसकी कॉन्स्टेंट रख दी जाए तो ये जो चार्ज कैरियर डेंसिटी है ये भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तुम जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने इलेक्ट्रॉन्स और फ्री हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर डेंसिटी एन जो है वो इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन वाले वायर के लिए द अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, और वहां से हमें निकल के आती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने फ्लूइड के फ्लो के लिए भी देखी थी कि एरिया और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि जहां एरिया कम होता है वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो कुछ वैसा का वैसा रिलेशन आपको यहां पर भी एग्जिस्ट करते हुए दिखाई देगा। मैंने जैसा आपको बताया था कि 11th क्लास में हमने इतनी चीजों को इतने अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ लिया है कि अब सेम पर्सपेक्टिव में आप 12th क्लास को भी पढ़ सकते हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते हुए, और ये आपको करना चाहिए क्योंकि इससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो जनरेट होती है माइंड के अंदर राइट। नेक्स्ट, अगर माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ की बात करूं, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है हर इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन बात कर रहे हैं, हर चार्ज कैरियर के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर कौन सा लॉ लग रहा है, तो आपको करंट डेंसिटी जो है वो एक कॉन्स्टेंट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल दिखाई देती है, और ये जो कांस्टेंट है सिग्मा ये कहलाता है कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू होती है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ये सारे के सारे किरदारों को अब तो आप जानते ही हो। इसका जो रेसिप्रोकल है वो कहलाता है रेजिस्टिविटी, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उल्टा कर दो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। रेजिस्टिविटी जो है वो दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो टाइप ऑफ मटीरियल और एक टेम्परेचर। तो टाइप ऑफ मटीरियल तो छोड़ देते हैं, बट टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं। कंडक्टर्स के लिए जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, और सेमीकंडक्टर्स के लिए जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी घट जाती है। इसको एज अ फैक्ट अभी के लिए ध्यान रख लो, मैं एक्सप्लेनेशन के अंदर नहीं जाऊंगा। और अगर आप एक फॉर्मूला चाहोगे तो ये बिल्कुल लीनियरली इंक्रीज होता है, जैसे आपने लेंथ यानी कि थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करी थी, बिल्कुल वैसा का वैसा एक्सपेंशन यहां पर है। नॉर्मली इसको एक्सपेंशन नहीं बोला जाता, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी जो होगी वो ओरिजिनल रेजिस्टिविटी प्लस ओरिजिनल रेजिस्टिविटी टाइम्स अ कांस्टेंट टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर के इक्वल होगा। तो यहां पर जो अल्फा होगा वो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर फॉर रेजिस्टिविटी हो जाएगा। सेम रिलेशन आपको रेजिस्टेंस के लिए भी एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है तो आगे जाके आप देखोगे रेजिस्टेंस भी करेगा ही करेगा। कंडक्टर्स के लिए क्योंकि रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, तो एल्फा पॉजिटिव होता है। और सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए क्योंकि रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, तो एल्फा नेगेटिव होता है। डायरेक्ट इन फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो आपको तैयार रहना है राइट। मैक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, ये तो हम सबने पढ़ा हुआ है। वी अगर वोल्टेज अप्लाई करते हो, आर अगर वायर का रेजिस्टेंस है, और आई करंट फ्लो हो रही है, तो वी इज इक्वल टू आई आर होगा।
आर यहां पर रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसकी वैल्यू रो टाइम्स एल अपॉन ए के इक्वल होती है। तो रेजिस्टेंस, ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी केवल दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही थी, जबकि रेजिस्टेंस चार चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। दो चीजें तो रेजिस्टिविटी वाली आ जाएगी, टाइप ऑफ मटीरियल एंड टेम्परेचर, और एक आ जाएगा लेंथ और एक आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करता साइज और शेप के ऊपर कि वायर का साइज और शेप क्या है, जबकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन आर वन आर टू इस तरीके से कनेक्टेड है, करंट दोनों में सेम है, वोल्टेज डिवाइड हो गया वी वन और वी टू हो गया, टोटल वोल्टेज आपने सपोज करो वी अप्लाई किया है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो होता है आर वन प्लस आर टू, टोटल करंट जाएगी वो हो जाएगी वी अपॉन आर वन प्लस आर टू, जो वी वन हो जाएगा वो आर वन टाइम्स वी अपॉन आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, और जो वी टू हो जाएगा वो आर टू टाइम्स वी अपॉन आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, यानी कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा वोल्टेज का शेयर उस रेजिस्टेंस को मिलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है, वोल्टेज डिवाइड होता है यूजिंग दिस फॉर्मूला, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है दोनों रेजिस्टेंसेस के ऊपर, बट करंट डिवाइड हो जाता है, यहां से आई इधर आई वन चला जाता है, इधर आई टू चला जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या तो आप वो वाला फॉर्मूला ध्यान रख लो वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू एंड सो ऑन, या फिर ये वाला ध्यान रख लो मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। करंट कैसे डिवाइड होगी, आई वन जो होगी उसमें आर टू ऊपर आएगा, कुछ ऐसा ही काम हमने कैपेसिटर्स के अंदर भी होते हुए देखा था, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज को डिवाइड किया था हमने। तो यहां पर आई वन जो होगा वो आर टू टाइम्स आई डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू के इक्वल होगा, और आई टू जो होगा वो आर वन टाइम्स आई डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू के इक्वल होगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ना उसको उतनी कम करंट मिलेगी, और ये तो ऑब्वियस भी है भाई, करंट क्यों जाना चाहेगी ज्यादा रेजिस्टेंस वाले रास्ते पे, नहीं जाना चाहेगी, राइट। तो रेजिस्टेंस के बाद में हम जिस डिवाइस के बारे में बात करेंगे दैट इज कॉल्ड सेल। सेल बेसिकली ऐसे डिवाइसेस है जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो सोर्स है, नॉर्मली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको सेल बोला जाता है। आप केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, राइट। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पी डॉट डी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो अगर एक आइडियल सेल है, आइडियल सेल क्या होता है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स क्या कहलाएगा, उसका ईएमएफ कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम पे मत चले जाना, फोर्स नहीं है ये वोल्टेज है, इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट ही है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज जो होता है, अभी मैं बताऊंगा टर्मिनल वोल्टेज होता क्या है, बट आइडियल सेल के लिए ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज आपस में इक्वल होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, जबकि नॉन आइडियल सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ केवल और केवल तब इक्वल होते हैं जब आप सेल के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहे होते हैं, इसको बोला जाता है ओपन सर्किट कंडीशन, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं हम, अगर हम नॉन आइडियल सेल की बात करते हैं जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसे ही सेल के साथ बना दिया जाता है, तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, कि हो सकता है सर्किट ऐसा हो जिसमें सेल से करंट बाहर निकल रही हो, तब तो सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा वो वी इज इक्वल टू ई माइनस आई स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगा, और अगर सर्किट ऐसा हो जिसमें सेल के अंदर करंट एंटर कर रही है तो फिर टर्मिनल वोल्टेज E प्लस आई आर के इक्वल होगा। तो एक नॉन आइडियल सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज EMF के इक्वल नहीं होता, कब, जब उसके थ्रू या उससे करंट फ्लो हो रही होती है, उसके थ्रू होती है तो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, और उससे हो रही होती है तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो ऐसा आपका नॉर्मली सर्किट होगा, इसमें जो टोटल करंट फ्लो होगा, आप तो R और R को आप सीरीज मान सकते हो ना, करंट तो सेम ही रहेगा पूरी ब्रांच में, तो टोटल करंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो जाएगा आई इंटू आर, यानी कि ई आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। इसके ऊपर आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे कि अगर आर वेरिएबल है तो बताओ पावर कब मैक्सिमम होगी, ग्राफ कैसा होगा, इनके बारे में हम क्वेश्चंस के दौरान बात करेंगे, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स अगर इस तरीके से कनेक्ट कर रखा हो तो ईएमएफ सबका एड हो जाता है और रेजिस्टेंसेस भी, क्योंकि सीरीज में है सबके एड हो जाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स अगर इस तरीके से कनेक्ट कर रखा हो तो सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो कि नॉर्मल पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से निकाला जाता है, और फिर उसको निकालने के बाद में अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ई अपॉन आर, मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ई वन डिवाइडेड बाय आर वन, ई टू डिवाइडेड बाय आर टू, इन सबका सम, ठीक है। बहुत रेयरली कभी ये फॉर्मूलाज काम आएंगे, बट
ट्राई करना कि अगर जो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाता है उसको केवीएल और केसीएल के डोमेन में मत लेके जाना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन अभी तक के सारे फॉर्मूला से होते हुए ना दिखाई दे, मतलब आपको ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाई दे ना पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई दे, बहुत कम होगा ऐसा, तब आपको केवीएल और केसीएल लगाना है। तो केसीएल का मतलब तो होता है कि अगर करंट आ रही है और दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रही है तो इनपुट करंट जो होगी वो आउटपुट करंट के इक्वल होगा। हम जाने अनजाने में ये लॉ वैसे भी जानते हैं, ऑब्वियस है हमारे लिए, राइट। इसको जंक्शन लॉ भी बोला जाता है, एक जंक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर जंक्शन ही नहीं बन रहा, एक ही ब्रांच है, तब तो आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, करंट सेम रहेगी। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, जितना चार्ज आएगा उतना ही बाहर जाएगा, चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरकॉफ वोल्टेज लॉ, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो इसको, राइट। इसके अकॉर्डिंग अगर आप एक क्लोज्ड लूप लेते हो तो इसके अंदर जितनी भी डिवाइसेस है उनके अक्रॉस होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम जो है वो हमेशा जीरो होता है। तो इसका यूज करके हम किसी सर्किट के लिए इक्वेशंस बनाते हैं और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम उस सर्किट का एनालिसिस करते हैं, राइट। अब जब आप लूप छांट लोगे, लूप आप कैसे भी ट्रेस कर सकते हो, नॉर्मली आपको जैसे सपोज करो इस तरीके का एक सेल दिया जाता है, फिर एक रेजिस्टेंस दे दिया जाए, यहां पर एक और सेल दे दिया जाए, राइट, फिर एक और रेजिस्टेंस दे दिया जाए और आपने इस तरीके का लूप सेलेक्ट कर लिया, तो आप पॉइंट्स बना लिया करो, यहाँ पर ए हो गया, फिर यहाँ पर बी हो गया, इधर पॉइंट सी हो गया, इधर डी हो गया, इधर ई हो गया और फिर वापस से ए, फिर ऐसे लूप बना लिया करो कि मैं पहले ए से बी पर जाऊंगा, फिर बी से सी पर जाऊंगा, फिर सी से डी पर जाऊंगा, बी से ई पर जाऊंगा और ई से घूम फिर के वापस कहाँ आ जाऊंगा, ए पर आ जाऊंगा। तो इस लूप को ट्रेस करने के दौरान जब आप केवीएल लगा रहे होंगे तो आपके पास में दो तरीके की डिवाइस चार कंडीशंस के साथ आती हुई दिखाई दे सकती है। हो सकता है आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो हो रही हो, तब तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा नेगेटिव आईआर। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा पॉजिटिव आईआर। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें आप पॉजिटिव से नेगेटिव पर जंप कर रहे हैं बैटरी के, तो नेगेटिव ए, और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव, आप जा रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, और इस सेल को उल्टा कर लो और अब की बार जो आप जंप कर रहे हो, ठीक है, करंट का कोई लेना देना नहीं है इससे, अब की बार जो आप जंप कर रहे हो वो कहां से कहां जंप कर रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव पर जंप कर रहे हो, तो फिर ईएमएफ कितना हो जाएगा, प्लस की हो जाएगा। ये चार ही कंडीशन दिखाई देगी भाई। आप जब लूप ट्रेस करोगे तो आपके सामने या तो रेजिस्टेंस आएगा या फिर बैटरी आएगी। रेजिस्टेंस आएगा तो देखना कि आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है क्या, अगर सेम है तो माइनस आईआर, अगर सेम नहीं है तो प्लस आईआर, या फिर बैटरी आएगी, बैटरी पे आप देखना पॉजिटिव से नेगेटिव जंप मार रहे हो तो माइनस ई और नेगेटिव से पॉजिटिव जंप मार रहे हो तो प्लस ई, यही कंडीशन दिखाई देगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप सारे के सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स निकालते हो लूप के अक्रॉस, उनका सबका सम जीरो कर देते हो, इक्वेशन आती है, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन निकालते हो, उनको सॉल्व करते हो और आपका आंसर आ जाता है। जब भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको केवीएल केसीएल का यूज करना पड़ेगा तब आपके लिए ये लॉज लगाना इंपॉर्टेंट होगा, इक्वेशन बहुत आसान बनेगी और आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ये गारंटी है, राइट। लास्ट क्वांटिटी पावर, जब आप किसी डिवाइस के अक्रॉस करंट आई फ्लो करवाते हो वोल्टेज वी लगा के, तो जो पावर कंजम्पशन होता है वो वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। पावर कंजम्पशन से हीट निकलती है, हीट का मतलब हो जाएगा पावर को टाइम से डिवाइड, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो पावर और हीट के फॉर्मूला सेम है, हीट में टाइम से और मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर के फॉर्मूला को दो और तरीके से लिखा जा सकता है, वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिखा जा सकता है और आई स्क्वायर इंटू आर भी लिखा जा सकता है। नॉर्मली जब किसी डिवाइस के बारे में बात करी जाती है तो उसकी पावर रेटिंग आप लिखी हुई देखते हो, जिसमें नॉर्मली वोल्टेज और पावर लिखी जाती है कि भाई इतने वोल्टेज पर इस डिवाइस को लगाओगे तो ये इतनी पावर खाएगा। तो अगर आपको दो डिवाइसेस दी गई है, एक की पावर रेटिंग वी कॉमा पी वन है और दूसरे की पावर रेटिंग वी कॉमा पी टू है, यानी कि अगर आप उसको वी वोल्ट पे कनेक्ट कर दोगे दोनों को तो ये तो P1 पावर खाएगा और ये P2 पावर खाएगा, बट ये दोनों सीरीज में कनेक्ट कर दिए गए हैं तो आप सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालोगे, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 इज इक्वल टू, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो वी स्क्वायर अपॉन P1, ऐसे ये R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P2, फिर दोनों रेजिस्टेंसेज ऐड हो जाएंगे R1 प्लस R2 और सॉल्व करके जब आप निकालोगे तो जो इक्विवेलेंट पावर निकल के आएगी वो 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 के अकॉर्डिंग निकल के आएगी, ठीक है। ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आपको दिया जा सकता है, पावर रेटिंग वी कॉमा पी वन, वी कॉमा पी टू और वी वोल्टेज पे आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया इन पैरेलल, तो
अगेन रेजिस्टेंस निकाल के, पावर निकाल के, सब कुछ करोगे आप तो डायरेक्ट ध्यान रखना पावर सिंपली दोनों के पावर्स के एडिशन के इक्वल हो जाएगी। तो हमारे घर में जो डिवाइसेस कनेक्टेड होती है ना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होती है। तो जब भी घर के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक घर है या एक फैक्ट्री है जिसमें इतने इतने बल्ब लगे हुए हैं, इतने इतने पंखे लगे हुए हैं, इतने इतने हीटर लगे हुए हैं, फलाना फलाना ये लगे हुए हैं, तो उन सबकी पावर्स को हमें क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है टोटल पावर कंजम्पशन निकालने के लिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पहले आया करते थे बट अभी तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस तरीके का क्वेश्चन कोई अपीयर होगा, राइट। खैर तो ये दो पेजेस थे, राइट। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं और आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वन पेज नोट आप तो बनाओगे नहीं और मेरी जो मेहनत है उसका आप फायदा उठा सकते हो, ठीक है। अब इतनी कम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा तरीके के क्वेश्चंस ट्राई करना, उनको सॉल्व करना, उनके उनको कॉन्कर करना, राइट, ये हमारा मेन टारगेट रहता है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू थ्री इक्वल पीसेस दैट आर देन कनेक्टेड साइड बाय साइड टू फॉर्म अ न्यू वायर। तो ऐसा आपका वायर था, फिर आपने इसके क्या कर दिए, तीन टुकड़े कर दिए और तीनों टुकड़ों को इस तरीके से एक के ऊपर एक रख दिया और इन तीनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया। अगर इसका पूरा रेजिस्टेंस आर था और रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है तो इसका आर बाई थ्री हो जाएगा, इसका भी आर बाई थ्री हो जाएगा और इसका भी आर बाई थ्री हो जाएगा। और फिर इन आर बाई थ्री वाले रेजिस्टेंसेस को आपने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, वो किसके इक्वल होगा, इसका उल्टा थ्री अपॉन आर, इसका उल्टा थ्री अपॉन आर, इसका उल्टा थ्री अपॉन आर, यानी कि नाइन अपॉन आर, यानी कि आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय नाइन के इक्वल। ऑप्शन नंबर थ्री क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन तो कर दोगे ना आप, क्वेश्चन को फॉलो करते जाना बस, केवल और केवल फॉर्मूलाज आपके पास में ही और आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज आई इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस फाइव। तो मैंने बताया था करंट किसके फंक्शन की फॉर्म में दी हुई है, टाइम। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो मैंने बताया था ऐसे केस में हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं, जीरो से लेकर 2 सेकेंड तक थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस फाइव, इसका क्या करना है अपनों को, इंटीग्रेशन करना है। तो थ्री तो कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री, ऐसे टू कॉन्स्टेंट है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, एंड फाइव कॉन्स्टेंट है डी टी का हो जाएगा टी, थ्री से थ्री गया टू से टू गया, ये आ जाएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस फाइव टी। लिमिट सटना बाकी है, पहले लिखेंगे अपर लिमिट, तो दो का क्यूब करेंगे आठ, स्क्वायर करेंगे चार, पाँच से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और जीरो रखेंगे तो सब में जीरो आ जाएगा, आठ और चार 12 और 10 करेंगे तो 22 कूलम। इतना चार्ज जो है वो आपका इस दौरान इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो हुआ होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना, स्लोप वाले क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन, एरिया वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन, ये सारे के सारे मिल सकते हैं और आपके लिए सारे बहुत ही आसान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया गया, आपको ए और डी के बीच में क्या कहा गया है, रेजिस्टेंस निकालना है, और ये जो बी और सी है ना इनको ऐसे खुला छोड़ दिया। अब जो खुला छोड़ दिया जाता है ना, जो ओपन एंड होता है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, ओपन एंड का मतलब होता है कि उसके रास्ते में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो अपन उस ब्रांच को गायब कर देते हैं। तो इस वाली ब्रांच को हम गायब कर देंगे और इस वाली ब्रांच को हम गायब कर देंगे क्योंकि इनको ओपन एंड रख दिया गया है। अब हमारे पास में बचे ये, ठीक है। अब देखो करंट यहां तक जाएगी और यहां पर डिवाइड हो रही है करंट, तो करंट जब डिवाइड होती है तो आपको ऐसा अनुमान लगने लग जाता है कि यार ये कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो एक करंट इधर चली जाती है, इधर तो जाएगी नहीं, तो इधर चली जाएगी, वो यहां से घूम फिर के आ जाएगी और जो इधर जाएगी वो इधर से घूम फिर के आ जाएगी, दोनों ऐड होके वापस से बाहर निकल जाएगी। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंसेज हैं ये सीरीज में होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो सीरीज में तो ऐड हो जाता था, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, ये 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। तो आपका सर्किट ऐसे बन जाएगा, ये ए यहां पर 10 रह गया, ये दो पैरेलल में दिखाई देंगे 20 ऊपर और 20 नीचे, और फिर वापस से एक 10 दिखाई देगा और यहां पर आपको दिखाई देगा डी। तो अब 20 और 20 अगर पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे, मल्टीप्लीकेशन
इंटू 20 डिवाइडेड बाय एडिशन 20 प्लस 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 40, 20 से 2 टाइम्स चला गया, वापस से कितना आ जाएगा 10। वैसे भी ध्यान रखना, अगर सेम रेजिस्टेंसेस दो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका आधा हो जाता है, जैसे यहाँ पे 20 20 है तो 20 का आधा हो जाएगा 10, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो ये 10, ये दोनों का मिल जाएगा कि 10 और ये 10 तीनों सीरीज में है, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाना चाहिए। फटाफट फटाफट सॉल्व करना आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को, राइट। कंसेप्चुअली आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ओपन एंड से, इसलिए इन दोनों रेजिस्टेंसेस को काउंट नहीं करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी इज। अब देखो यहां पे भी हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन यहां पे आपको एक चीज पता रखनी है कि जब तक आपका वायर बिना रेजिस्टेंस वाला होता है ना, तो वो सारे के सारे ए की पॉइंट कंसीडर करे जाते हैं, ठीक है। और जिस लाइन के अबाउट आपका पूरा का पूरा सर्किट सिमेट्रिक है, जैसे इस लाइन के अक्रॉस आपका जो सर्किट है वो क्या है, सिमेट्रिक है, तो उस लाइन के हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इसका मतलब है कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, और कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो इसको आप हटा सकते हो। सेम कहानी इसके साथ, इस रेजिस्टेंस को आप हटा सकते हो। हालांकि इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं पूछे जाते, बट इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि हाँ यार इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है, तो कुछ ऐसा आपका केस बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये तीनों सेम ही पॉइंट है, ठीक है, इसको तीनों का यही नाम दे देते, तो एक रेजिस्टेंस ये चला गया और एक रेजिस्टेंस ये चला गया, एक रेजिस्टेंस ऊपर से घूम के जा रहा है यहां से, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, तो ये दोनों ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे यहां पर ऐसे ही, इधर एक रेजिस्टेंस चला गया, इधर एक रेजिस्टेंस चला गया, और ये दोनों वापस से कनेक्ट हो जाएंगे, इधर एक रेजिस्टेंस और था इस तरीके से, और ऐसे ही सेम कहानी इधर की तरफ, मैंने रीड्रॉ किया है। देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये रहा, ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो ये रहा, इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा था वो मैंने हटा दिया, ये वाला रेजिस्टेंस यहां पर है, ये वाला रेजिस्टेंस यहां पर है, दोनों सेम एंड्स के बीच में कनेक्टेड है, ये वाला यहां पर है, ये वाला यहां पर है, दोनों सेम एंड्स के बीच में कनेक्टेड है, ये इधर दिखाई दे रहा है और ये इधर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा करने से फिर हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो गई, हमें दिख गया कि ये दोनों सीरीज में है, तो 2R हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों पहले पैरेलल में है तो आर बाई टू, ये दोनों पैरेलल में आर बाई टू, फिर आर बाई टू और आर बाई टू सीरीज में है तो वापस से घूम फिर के कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और नीचे वाले दोनों सीरीज में है तो 2R हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/2R, 1/R, 1/2R, 2R अपन ले लेते हैं एलसीएम, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4/2R, यानी कि R 2/R, यानी कि R इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका स्मॉल R डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0.5R। तो ये जो सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है जो कि आपको आसानी से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। नाउ मान लो ये एक एल लेंथ का वायर है आपके पास में, ठीक है, अब आप इसको जब स्ट्रेच करके डबल लेंथ का बना देते हो, तो तुम देखोगे इसकी रेडियस जो है ना, ये इसका जो डायमीटर है वो उसी रेशियो के अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने लेंथ तो डबल कर दी, बट मटेरियल तो अभी भी उतना का उतना ही है ना, वायर को आपने खींच के तो डबल किया है। तो पहले इसका एरिया अगर ए था, अब इसका एरिया कितना हो जाता है, ए बाय टू हो जाता है। तो पहले इसका रेजिस्टेंस था आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और अब इसका रेजिस्टेंस हो गया आर डैश इज इक्वल टू, मटेरियल तो सेम रहा, लेंथ की जगह आ गया 2L और एरिया की जगह आ गया ए बाय टू। अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहते हो तो आप क्या करो, इसको दो गुना नहीं, इसको एन गुना ले लो, अगर तुम लेंथ एन टाइम्स इंक्रीज कर देते तो एरिया एन टाइम्स डिक्रीज हो जाता, तो यहां पर एन टाइम्स एल आ जाता और ए डिवाइडेड बाय एन आ जाता, तो आप देखते हो आर डैश जो होता है वो एन स्क्वायर टाइम्स रो एल अपॉन ए के इक्वल होता है, यानी कि
आरडेस जो होता है वो एन स्क्वायर टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर इक्वल होता है। अब इसको एज अ फैक्ट, एज अ फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। जैसे हमें कहा गया था कि 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 दे दिया गया है, उसको स्ट्रेच किया गया है यानी कि ये वाली कंडीशन लगेगी, और लेंथ डबल कर दी गई है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, डबल हो गई, तो आपका जो आर डैश होगा वो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स 4 ओम हो जाएगा यानी कि 16 ओम हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे ध्यान रख लो कि अगर किसी आर रेजिस्टेंस के वायर को स्ट्रेच करके एन गुना लंबा कर दिया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस एन स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। ठीक है, बच्चों को लगता है कि लेंथ एन गुना बढ़ाई है तो रेजिस्टेंस भी एन गुना बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लेंथ बढ़ने के साथ साथ छुपे रुस्तम तरीके से एरिया भी कम हो रहा है, इसलिए एन स्क्वायर कंपाउंड हो गया इफेक्ट। राइट, 100 सेल्स ईच ऑफ EMF 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आर टू बी अरेंज्ड सो एज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम करंट इन अ 25 ओम रेजिस्टेंस। ईच रो इज टू कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सेल्स, द नंबर ऑफ रोज शुड बी। अब आपको करंट जो है वो मैक्सिमम चाहिए। अब देखो, मान लो 100 सेल्स है ना, आपने उसको एन रोज के अंदर डिवाइड कर दिया, तो हर रो के अंदर कितने सेल्स हो जाएंगे, सेल्स इन ईच रो। अगर आपने एन रोज ली हैं तो कितने हो जाएंगे, 100 डिवाइडेड बाय n सेल्स हो जाएंगे, यानी कि हर रो का जो ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय n। भाई एक रो के अंदर इतने तो सेल्स होंगे, ठीक है, और हर सेल का ईएमएफ इतना है, सीरीज में ईएमएफ क्योंकि ऐड हो जाया करते हैं, तो आपका जो ईएमएफ होगा वो एक रो का जो ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, इतना तो ईएमएफ हो जाएगा। ऐसे रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाते हैं सीरीज के अंदर होने की वजह से, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 1 ओम रेजिस्टेंस है यानी कि 100 डिवाइडेड बाय n ओम आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये हर ब्रांच की बात कर रहे हैं, अब ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, यहां पर भी ऐसी की ऐसी ब्रांच है, ठीक है, और यहां पर भी ऐसी की ऐसी ब्रांच है इस तरीके से, और ऐसे टोटल कितनी ब्रांचेज है, एन ब्रांचेज है। चलो आ रहा है समझ में, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होता है, जब सेम सेल्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उसकी वजह से जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आता है ना, अपन जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे उसको लगाएंगे तो उसको देख लेना फॉर्मूला, अगर सारे ई और सारे आर इक्वल रख दोगे तो ईएमएफ तो कितना आता है, ई के इक्वल ही आता है, तो इसका जो रिजल्टेंट ईएमएफ निकल के आएगा वो तो 5 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय n ही निकल के आएगा। जबकि रेजिस्टेंसेस क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो n टाइम्स कम हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 100 बाय n 100 बाय n 100 बाय n, ये रेजिस्टेंसेस किसमें है, पैरेलल में, तो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 100 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी पूरी की पूरी कहानी हो जाएगी। इसको आपने एक 25 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रखा है, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी आई वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपने देखा था, तो करंट जो होती है वो होती है ईएमएफ यानी कि 500 डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज 25 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि 100 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब आपको बेसिकली क्या करना है, करंट को मैक्सिमम करना है, तो करंट को मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, अगर अपन एलसीएम लेंगे तो एन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर तो रह जाएगा 500 n और नीचे रह जाएगा 25 n स्क्वायर प्लस 100, ठीक है, तो फिर अपन DI/DN निकालेंगे, DI/DN निकालेंगे। अब DI/DN किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे डिवीजन फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 500 n, इसको बिठा के रखेंगे या पहले नीचे वाले फंक्शन को बिठा के रखा जाता है, तो यहाँ पर अपन कर देंगे इसको 25 n स्क्वायर प्लस 100 टाइम्स 500 n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल और केवल 500 आएगा, फिर माइनस 500 n को बिठा के रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 25 × 2 करेंगे तो 50 टाइम्स n आ जाएगा, 100 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 25 n स्क्वायर प्लस 100 का
होल स्क्वायर। अब फिर इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो जीरो के इक्वल रखेंगे तो हमें एन की वैल्यू मिलेगी, तो इसकी वैल्यू 25 n² + 100 × 500 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए, 500 × 50 × n के इक्वल हो जानी चाहिए। 500 से 500 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का बचेगा यहां पर 25 n² + 100, और इसको इधर ले आएंगे तो -50 n = 0। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2n, और यहां से बचेगा +4 = 0, यानी कि ये n माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 2 आ जानी चाहिए। तो बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन हो गया, बट हमने क्वेश्चन के अंदर जो जो कहा गया उसको फॉलो करते चले गए। उसने कहा कि रेजिस्टेंस ले लो, हमने ले लिया, सेल्स ले लो, ऐसे ब्रांचेस बना लो, एन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर लिया, तो सारी की सारी कहानी जो है वो धीरे 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 खुलती गई, और आखिरी में थोड़े से मैथ्स के कंसेप्ट को यूज करके, थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट यूज करके हमने फाइनली फाइंड आउट कर लिया कि यार हमारे नंबर ऑफ टोटल जो ब्रांचेस हैं वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, राइट। इसको करने का एक छोटा तरीका और है, वो ये है कि अगर हम केवल और केवल ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ध्यान दें कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, या फिर आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि जब आप एक सेल लेते हो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको आर रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हो, तो उसके अंदर करंट मैक्सिमम तब फ्लो होती है जब आर और स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। उसी कंडीशन में आपकी पावर जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो अपन यहां पर जब वो सर्किट बना रहे थे तब मैंने हल्का फुल्का मेंशन किया था कि पावर जो है उस सर्किट के अंदर मैक्सिमम तब होगी जब आपका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। उसकी डेरिवेशन भी एक तरीके से आप इसको मान सकते हो। तो अगर डायरेक्ट वो लगाते तो हमारे हिसाब से जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 100 / n² हमारे हिसाब से जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है कितना निकल के आ रहा है, और पावर के मैक्सिमम होने या करंट के मैक्सिमम होने के लिए किसके इक्वल होना चाहिए, 25 के। तो n स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जानी चाहिए, 100 / 25 यानी कि 4, यानी कि n की वैल्यू किसके इक्वल हो जानी चाहिए, 2 के इक्वल हो जानी चाहिए। तो अब आपके पास में दोनों तरीके आ गए, एनालिटिकल मेथड आ गया ताकि आप इस फैक्ट को पचा सको। अब आप ध्यान रखोगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सर्किट के अंदर पावर या करंट मैक्सिमम तब होती है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू जो एक्सटर्नली आपने कनेक्ट किया है इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। तो यहां तक का पार्ट आप करोगे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालोगे, उसको डायरेक्ट आप किसके इक्वल रख देना, 25 के इक्वल रख देना, तो आपका ये वाला जो हिस्सा है ये वाला पूरा का पूरा सेव हो जाएगा, राइट। एन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज यूनिफॉर्मली कंप्रेस्ड अलोंग इट्स लेंथ अंटिल इट्स रेडियस बिकम्स एन टाइम्स द ओरिजिनल रेडियस, नाउ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम्स। तो देखो, रेडियस बन गई एन टाइम्स रेडियस, तो पक्का जो एरिया होगा वो कितना बन जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स ओरिजिनल एरिया के इक्वल हो जाएगा, और लेंथ को तो कंप्रेस किया ही गया है, ठीक है, अलोंग इट्स लेंथ अंटिल इट्स रेडियस बिकम्स एन टाइम्स द ओरिजिनल रेडियस। तो कंप्रेस करने पर आपका जो वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि वी डैश जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वी के इक्वल होना चाहिए। पहले एरिया ए था, लेंथ एल थी, बाद में एरिया एन स्क्वायर ए हो गया और लेंथ हो गई एल डैश, ए से ए कट गया तो एल डैश की वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन एन स्क्वायर। तो हमारे पास में सारी जानकारी आ गई, पहले रेजिस्टेंस रहा होगा रो इंटू एल अपॉन ई, और अब रेजिस्टेंस हो गया आर डैश, मटीरियल तो सेम रहा, लेंथ हो गई एल अपॉन एन स्क्वायर और एरिया हो गया एन स्क्वायर टाइम्स ए, तो आर डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/n⁴ रो एल अपॉन ए, यानी कि आर डैश विल बी इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एन की पावर 4। तो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन तो हमने कर लिया, फॉर्मूला भी हमारे पास में आ गया, बट किस तरीके से करना है दैट इज इंपॉर्टेंट, और एज अ फैक्ट इसको आप आगे यूज कर सकते हो कि अगर किसी वायर को खींच कर या फिर दबा कर उसकी लेंथ चेंज करी जाती है, पहले अपन लेंथ और एरिया के बारे में बात कर रहे थे, यहां पर रेडियस जो है उसके बारे में लेके बात कर रहे हैं, तो रेडियस जो है वो एन गुना कर दी,
यानी कि एरिया एन स्क्वायर गुना हो गया, और अगर एरिया एन स्क्वायर गुना हो गया तो लेंथ एन स्क्वायर गुना कम हो जाएगी, यानी कि टोटल कंपाउंड होकर आपका रेजिस्टेंस एन की पावर 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल द करंट इज 0.5 एम्पियर। व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू 5 ओम द करंट इज 0.25 एम्पियर। The EMF of the cell is, तो हमने देखा था करंट का फॉर्मूला होता है E divided by externally connected resistance plus internal resistance। तो पहले केस में अपनों को बोला जा रहा है कि करंट 0.5 एम्पियर थी, EMF अपन E मान लेते हैं, और सर्किट के अंदर जो एक्सटर्नली रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था वो 2 था, इंटरनल रेजिस्टेंस अपन स्मॉल r मान लेते हैं। बाद में 0.25 हो गई, इसको अपन E ही रहने देते हैं, ये अब रेजिस्टेंस 5 हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस r हो गया, सेल तो वही है। डिवाइड करेंगे तो 0.5 को 0.25 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, E से E कट जाएगा, 5 प्लस आर ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस आर नीचे रह जाएगा, इसको कनेक्ट करेंगे तो 4 प्लस 2R 5 प्लस आर के इक्वल हो जाएगा, R को इधर 4 को इधर, तो R की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम, और R की वैल्यू 1 ओम किसी भी एक के अंदर रख दो, यहाँ पर रख देते हैं E डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 यानी कि 3, यानी कि E की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स 0.5 दैट इज 1.5 वोल्ट। कर लेंगे, आसान ही क्वेश्चन, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आपने जैसा जैसा कहा गया वैसा फॉलो किया और आप आंसर तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 8.4 × 10^22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू मिल गई आपको 8.4 × 10^22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर का मतलब होता है 10^-2 मीटर, यानी कि मीटर क्यूब के अंदर लिखेंगे अपन, तो 10^-6 से अपनों को क्या करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा यूनिट में लेके जा रहे हैं, ठीक है। द करंट इन द वायर इज 0.21 एम्पियर, तो आई अपनों को दे दिया गया है 0.21 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सबको पता ही है 1.6 × 10^-19 कूलम। Then the drift velocity of electron in a copper wire of 1 mm² cross section. तो cross sectional area दे दिया गया है 1 mm², millimeter का मतलब होता है 10^-3, यानी कि 1 × 10^-6 meter square. Formula था I is equals to N E A V D. हमें V D निकालना है, तो I को किससे divide कर देंगे हम, N E और A से। I का मतलब 0.21, ठीक है, n कितना है 8.4 × 10^22 और माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10^-19 और एरिया कितना है आपका 10^-6। तो देखो एक डिजिट छोड़ के और एक डिजिट छोड़ के डॉट यहां पर लगा रखा है और यहां पे दो डिजिट, तो इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 21 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/64। पावर्स काउंट करते हैं, यहां पे -19, यहां पे -6 यानी कि -25 और ये 16 है, यानी कि माइनस का 9 बचेगा नीचे की तरफ, उसको ऊपर ले आएंगे तो 10^9 बचेगा यहां, ठीक है। और 1/64 करोगे आप और सॉल्व करोगे तो आई गेस एक बार कैलकुलेशन वेरीफाई करना, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आता हुआ नजर आएगा आपको, 1.56 × 10^-5 मीटर पर सेकंड। प्लीज एक बार कैलकुलेशन वापस से वेरीफाई कर लेना, फॉर्मूला बहुत आसान है, अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो आप एक बार कैलकुलेशन करके देखना, आई गेस ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The temperature coefficient of resistance of wire is 0.00125 per degree Celsius. तो alpha आपको दे दिया गया है 0.00125 per degree Celsius. At 300 Kelvin, its resistance is 1 ohm. तो temperature T1 तो दे दिया गया है आपको 300 Kelvin और R1 दे दिया गया है आपको 1 ohm. The resistance of the wire will be 2 ohm. तो आपको T2 फाइंड आउट करना है और आपका जो R2 है वो कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, ठीक है।
एट फॉलोइंग टेम्परेचर, किस टेम्परेचर के ऊपर आपको ये चमत्कार होता हुआ नजर आना चाहिए। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। तो अपना फॉर्मूला हुआ करता था कि फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस टाइम्स वन प्लस एल्फा टाइम्स डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब हो जाएगा टी टू माइनस 300। ठीक है, आर टू की वैल्यू रख दी 2, आर वन की वैल्यू रख दी 1, 1 प्लस 0.00125 टाइम्स टी टू माइनस 300। इसको सॉल्व करना तो बड़ी बात नहीं है, इस 1 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही रहेगा, इस 1 को इधर भेजेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 0.00125 टाइम्स टी टू माइनस 300। इसको डिवाइड करेंगे तो टी टू माइनस 300 जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/0.00125 के इक्वल आ जाएगा। पॉइंट अगर आप हटाओगे तो 1, 2, 3, 4, 5 जीरो लगाने पड़ेंगे, 4, 5। ठीक है, 125। ठीक है, इसको अगर आप 125 से 1000 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स चला जाएगा आपका, 8 टाइम्स चला जाएगा, ये आ जाएगा 800। यानी कि टी टू की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 800 प्लस 300 यानी कि 1100 केल्विन निकल के आनी चाहिए। कितनी निकल के आनी चाहिए, 1100 केल्विन निकल के आनी चाहिए। अब यहाँ पे 1100 केल्विन एग्जैक्ट जो अपना आंसर आ रहा है उसके सबसे क्लोजेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है, तो अपन ऑप्शन नंबर 2 लगा के आ जाएंगे। ठीक है ना, आई होप इसके अंदर डिग्री सेल्सियस के अंदर दे रखा है तो हो सकता है पूरी की पूरी कैलकुलेशन पहले डिग्री सेल्सियस के अंदर की हो और फिर फाइनल आंसर लिखा हो, बट चलेगा इतना, राइट, अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर अ गिवन मेटेलिक कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 आर शोन इन फिगर, देन T1 इज ग्रेटर देन T2। और तो देखो इसमें ना केवल और केवल लफड़ा ये है कि I और V का ग्राफ दे दिया गया है, आप इसको अगर रीड करना चाहोगे तो I डिवाइडेड बाय V जो होता है वो रेजिस्टेंस नहीं होता, वो क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो कंडक्टिविटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ध्यान दो, इसको अपन इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि आई और वी ग्राफ की जो स्लोप होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, कंडक्टिविटी को। तो ये थीटा वन एंगल बना रहा है और ये थीटा टू एंगल बना रहा है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जो टेन थीटा टू है वो ज्यादा है किसके कंपेरिजन में, टेन थीटा वन के। टेन थीटा टू किसको रिप्रेजेंट करता है आपके, सॉरी इसको वन लिखते हैं और इसको टू लिखते हैं, जो नोटेशन है उसके अकॉर्डिंग टेन थीटा वन जो है वो ज्यादा है किसके कंपेरिजन में, टेन थीटा टू के कंपेरिजन। टेन थीटा वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस को आर लिखा जाता है ना, कंडक्टिविटी को नॉर्मली या कंडक्टेंस को नॉर्मली जी लिखा जाता है, तो इसका जो जी टू होगा वो ज्यादा हो जाएगा किसके कंपेरिजन में, जी वन में। यानी कि आर टू कम हो जाएगा किसके कंपेरिजन में, आर वन में। और रेजिस्टेंस कम, इसका मतलब टेम्परेचर भी कम, यानी कि टी टू कम हो जाएगा किसके कंपेरिजन में, टी वन के कंपेरिजन में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या आ जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। केवल और केवल क्वेश्चन में आई और वी को पलट कर ग्राफ को और क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया गया है। ठीक है, तो आपको कंडक्टिविटी के रास्ते से आपको रेजिस्टेंस के रास्ते पर आना है, फिर तो आगे का काम तो आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस α1 एंड α2 रेस्पेक्टिवली, दीज आर जॉइंड इन सीरीज, द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो आपको जो दोनों वायर्स को कनेक्ट करने के बाद में जो टेम्परेचर कोफिशियंट होगा वो फाइनली फाइंड आउट करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली एक फॉर्मूला आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस टाइम्स 1 प्लस एल्फा टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल होता है, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत में जब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहा होगा तो वो किसके इक्वल रहा होगा, R1 प्लस R2 के इक्वल रहा होगा। फिर बाद में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया होगा वो चेंज हो गया होगा क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो उस कंडीशन में R1 की जगह तो आप क्या रखोगे, आपकी बार
आर वन टाइम्स वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, भाई आर वन बढ़ चुका होगा, और आर टू की जगह आप रखोगे आर टू टाइम्स वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। थोड़ा सा इनको मैनेज करते हैं, तो हो जाएगा आर वन प्लस एल्फा टाइम्स आर वन टाइम्स डेल्टा टी, और यहाँ पर आ जाएगा आर टू प्लस एल्फा टाइम्स आर टू टाइम्स डेल्टा टी। अगर आप आर वन प्लस आर टू को अलग से सेग्रीगेट कर लेते हो तो ये टर्म्स कुछ इस तरीके की बन जाएगी, एल्फा टाइम्स आर वन टाइम्स डेल्टा टी प्लस एल्फा टाइम्स आर टू टाइम्स डेल्टा टी। अगर मैं आर वन प्लस आर टू को कॉमन लेके बाहर निकाल लेता हूँ तो आर वन प्लस आर टू टाइम्स वन प्लस कुछ ऐसा बनेगा, एल्फा आर वन एल्फा आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू टाइम्स डेल्टा टी। अब इसको कंपेयर करो कि अगर मैं इसको आर इक्विवेलेंट रख दूं तो आर इक्विवेलेंट डैश जो होगा वो ओरिजिनल आर इक्विवेलेंट टाइम्स वन प्लस दिस क्वांटिटी, सो दिस क्वांटिटी विल नाउ बिहेव लाइक न्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन डेल्टा टी के इक्वल वर्क करेगा। तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, जो इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा टाइम्स आर वन प्लस अल्फा टू टाइम्स आर टू। ठीक है ना, ये अल्फा वन अल्फा टू है, अल्फा वन अल्फा टू रख लो इनकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर वन टू, इधर वन इधर टू आ जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन चेंज कर लेंगे, तो अल्फा वन आर वन प्लस अल्फा टू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ केस हमने जब लेंथ एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था वहां पर भी किया था, अपने सेम चीज हमने वहां पर भी करी थी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट किए जा सकते हैं। व्हेन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए लेंथ एल रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू अ कंप्लीट सर्कल, रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स विल बी, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स का मतलब हो जाएगा कि ऊपर वाले सेगमेंट का r बाय टू और नीचे वाले सेगमेंट का r बाय टू रह जाएगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आधी लेंथ ऊपर आधी लेंथ नीचे, और क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो फर्दर डिवाइड बाय टू कर देंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपका r बाय फोर, यानी कि ऑप्शन नंबर टू जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल हैविंग ईएमएफ ई एंड इंटरनल डिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर एज द रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज्ड। तो हमने देखा था आई की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, ई टाइम्स वी डिवाइडेड बाय, या सॉरी वी की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वी की जो वैल्यू होती है वो हमने देखा था ई टाइम्स कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर की इक्वल होती है। तो इसको यू भी लिख सकते हैं, ई डिवाइडेड बाय आर से अगर मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा तो वन प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। अब इसको नोटिस करो, हम इस कैपिटल आर को वेरी कर रहे हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू जीरो रख के देखेंगे, तो जैसे ही जीरो रखोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, वन प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट रहेगा, और एक नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो वी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आपका ये ग्राफ करेक्ट हो सकता है, ये ग्राफ करेक्ट हो सकता है, ये दोनों ग्राफ करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जब आर जीरो है तो वी भी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, उसको शॉर्ट सर्किट कंडीशन बोलते हैं। फिर जैसे जैसे आप आर को बढ़ाओगे वैसे वैसे ये क्वांटिटी कम होगी, ये क्वांटिटी कम होगी तो ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर कम होगा, और अगर ये कम होगा तो आपका वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना चाहिए। तो देखो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है धीरे 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 धीरे, और करते 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 जब आर को इन्फिनिटी रख दोगे यहाँ पे, तो इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और वी कितना आ जाएगा, सिंपली ई के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वन जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। इन्फिनिटी पर जाते 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 टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल हो गया, ई के इक्वल हो गया। इसको आप यूँ भी ध्यान रख सकते हो कि जब आप R को जीरो रखते हो, यानी कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन कहलाती है, राइट, उस केस में करंट जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, और करंट अगर मैक्सिमम हो जाए, करंट मैक्सिमम का मतलब है इस R को जीरो रखने पर ओवरऑल जितनी भी करंट्स आ रही थी R के हिसाब से उनमें मैक्सिमम हो जाएगी, राइट, और करंट अगर मैक्सिमम हो जाएगी तो आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि V होता है E माइनस आई आर। अब I बढ़ते 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 इतनी हो गई कि E और आई आर आपस में इक्वल हो गए और V कितना हो गया, जीरो। और जब R इन्फिनिटी रखते हो, इसको अपन बोलते हैं ओपन सर्किट कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो करंट है
वो कितनी हो जाती है, जीरो। वी होता है ई माइनस आई आर, आई जीरो रख दोगे सिंपली वी किसके इक्वल आ जाएगा, ई के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों चीजें आपको ऑप्शन नंबर वन के अंदर करेक्ट होती हुई नजर आ रही है। ये ग्राफ भी स्टैंडर्ड है, खासकर जो बोर्ड के अंदर अपीयर हो रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस आर वेरीज विद टाइम टी एज क्यू इज इक्वल टू दिस दिस दिस, वेयर अ ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन आर इज, क्या बात है। तो टोटल हीट अपनों को निकालनी है, तो सबसे पहले तो देखो इसको एनालाइज करते हैं। क्यू आपको दे रखा है कितना, ए टाइम्स टी माइनस बी टी स्क्वायर, यानी कि करंट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, यानी कि ए माइनस टू बी टी के इक्वल हो जाएगा। टी इज इक्वल टू जीरो पर करंट कितनी रहेगी, ए, और टी इज इक्वल टू कितने पर, देखो टी इज इक्वल टू अगर मैं ए अपॉन टू बी रख दूंगा, t इज इक्वल टू मैं कितना रख दूंगा, a अपॉन टू बी, तो a अपॉन टू बी रखते हैं, 2b से 2b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, i कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारी जो करंट है वो इतने से लेके इतने ही टाइम तक क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। सबसे पहला तो इसके अंदर यही करना था आपको, करंट को एनालाइज करना था कि करंट कब से लेके कब तक फ्लो हो रही है। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास में करंट की इंफॉर्मेशन आ गई और टाइम की इंफॉर्मेशन आ गई कि इतने से इतने टाइम तक ही फ्लो हो रही है, तब हम पावर के बारे में बात कर सकते हैं। तो पावर जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, आई स्क्वायर इंटू आर, यानी कि ए माइनस टू बी टी होल स्क्वायर टाइम्स आर। और हीट जो होती है वो वैसे तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करते हैं, बट क्योंकि हर टाइम पर करंट चेंज हो रही है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पावर यानी कि ए माइनस टू बी टी होल स्क्वायर टाइम्स आर, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी टी से, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके ए अपॉन टू बी तक हमें ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो फटाफट से करते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, रहा ए माइनस टू बी टी होल स्क्वायर, ये लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन का अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन, ए माइनस टू बी टी कि पावर इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज पावर से डिवाइड कर देंगे, फिर जो टाइम का कोफिशियंट है उससे डिवाइड और करना पड़ेगा, यानी कि वन डिवाइडेड बाय माइनस टू बी। अपन ऐसा ही तो करते थे, जैसे साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन करना होता है तो पहले तो वो माइनस कॉस ए एक्स हो जाता है, फिर एक्स के कोफिशियंट से अपन डिवाइड कर देते, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, और अब हमें लिमिट रखनी है जीरो से लेके कहाँ तक, ए अपॉन टू बी तक, तो जो जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल लेते हैं, तो r अपॉन माइनस सिक्स बी, ये तो कांस्टेंट है और इसके अंदर लिमिट्स रखते हैं, तो सबसे पहले तो t के अंदर जीरो रख देंगे तो ये कितना बचेगा, a क्यूब बचेगा, और फिर जैसे t की जगह a अपॉन टू भी रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो सिंपली कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसकी फाइनली वैल्यू आ जाएगी a क्यूब टाइम्स r डिवाइडेड बाय माइनस सिक्स बी। अगर हम इस नेगेटिव साइन को ओमिट कर दें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर वन है a क्यूब टाइम्स r डिवाइडेड बाय 6b, ये हमें करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। नेगेटिव साइन केवल और केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी जो करंट है ना बेसिकली डिक्रीज हो रही है, वो t इज इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम थी और t इज इक्वल टू a अपॉन 2b पर क्या हो गई, जीरो हो गई, तो उस वजह से आपका ये नेगेटिव साइन आ रहा है, इसको आप ओमिट कर सकते हो फाइनल आंसर से। तो a क्यूब टाइम्स r डिवाइडेड बाय 6b, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से निपटा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A filament bulb is to be used in a 230 volt mains supply when resistance R is connected in series. It works perfectly and the bulb consumes 500 watt. The value of R is. तो filament bulb है, हमें उसकी rating दे रखी है, मैंने बताया था power और voltage दिया जाएगा। Is to be used in a 230 volt mains supply when a resistance R is connected in series. It works perfectly and the bulb consumes 500 watt, the value of R is. तो देखो ये तो आपने बल्ब लगा दिया यहां पर और यहां पर एक सीरीज में रेजिस्टेंस R लगा दिया। ऐसा कहा गया है कि बल्ब जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, परफेक्टली वर्क कर रहा है इसका मतलब है इसके ऊपर एग्जैक्ट पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है, 500 watt, यानी कि इसके ऊपर एग्जैक्ट जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 100 watt हो रहा होगा। इसको मेंस सप्लाई से आपने कनेक्ट कर रखा है तो ये कितना हो जाएगा, 230
वोल्ट सप्लाई से हमने कनेक्ट कर रहे थे। तो इससे हमें क्या क्या जानकारियां मिली, इसके ऊपर पावर कंजम्पशन कितना है 500 वॉट। पावर किस चीज के इक्वल होती है, पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट के इक्वल। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 500 डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 हो गया, आई की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। और अब अपन बात करें रेजिस्टेंस की, तो 230 में से 100 वोल्ट तो इसके पास में चले गए, तो इसके पास में कितने बचेंगे, केवल और केवल 130 वोल्ट बचेंगे। और इससे जो करंट फ्लो हो रही है वो हमने निकाली ली 5 एम्पियर। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा आर किसके इक्वल होता है, वी अपॉन आई इसके इक्वल हो जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2 and 6, 26 ओम आंसर आपको आता हुआ नजर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आपको इन सारी के सारे डेटा को कलेक्ट करना है, क्या कहा गया है, हाँ पावर रेटिंग दे रखी है, फिर कौन सी कंडीशन दे रखी है कि 230 वोल्ट पर इसको वर्क करवाया गया, रेटिंग 100 वोल्ट की थी बट 230 वोल्ट पर वर्क करवाया गया, गड़बड़ हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया, फिर परफेक्टली वर्क कर रहा है, यानी कि 500 वॉट तो पावर खा रहा है और इसके ऊपर वोल्टेज कितना जा रहा है, केवल और केवल 100, जो रिमेनिंग वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया। पहली इंफॉर्मेशन से करंट निकाल लो, दूसरी इंफॉर्मेशन से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। तो अभी अभी हमने देखा था एन स्क्वायर टाइम्स आर हो जाता है जब आप स्ट्रेच करते हो, क्योंकि जितनी लेंथ स्ट्रेच करते हो उतना ही एरिया डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, द पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर इज मैक्सिमम। तो एक ये है ईएमएफ ई हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया, ईएमएफ ई हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया, इसको आपने एक कैपिटल आर से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। तो पहले तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट तो कितना रहेगा, ई ही रहेगा, है ना, पैरेलल में है। और इन दोनों का कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल में होंगे तो आर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया है, 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1, 1 upon R2, यानी कि 2 upon R, यानी कि R equivalent तो हो जाएगा आपका R divided by 2, और E upon R, R की वैल्यू कितनी है, R divided by 2, वो E1 upon R1 plus E2 upon R2 के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि twice of E upon R के इक्वल हो जाएंगे, twice of R से twice of R गया, तो E equivalent की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, E के इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो अपन डायरेक्ट वैसे भी ध्यान रख सकते हैं, और ये किससे कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस आर से कनेक्टेड है। फिर अपन पावर निकालेंगे, फिर अपनों ने वो क्वेश्चन किया था कि उसका टाइम के रिस्पेक्ट में या जो भी क्वांटिटी है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगाएंगे। अल्टीमेटली हमने फैक्ट देखा था कि पावर मैक्सिमम तब होती है जब एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनली कनेक्टेड रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके इक्वल हो जाए। तो कैपिटल आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जानी चाहिए, स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो जाना चाहिए। दो चीजों को कनेक्ट किया गया है और आपको बहुत अच्छे से कनेक्शन करना आना चाहिए, राइट। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे, इन सारे के सारे क्वेश्चंस से हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी इलाका है वो पूरा का पूरा एक एक प्लॉट जो है उसका वो छान मारा है, और फाइनली हमने ये प्रूव करने की कोशिश करी है कि इतने बड़े चैप्टर का इतना बड़ा जो सेगमेंट है उसको बहुत छोटे 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 कंसेप्ट, बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन और उनके आपस में रिलेशन के बेसिस पे कनेक्ट करके उनको आपस में बेसिकली बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चंस और जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं उसके ऊपर एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिल सकते हैं नीट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो होगा वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो दिखाई दे सकते हैं। ओवरऑल इन दोनों वीडियो से 4 क्वेश्चन दिखाई देंगे, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस मोस्ट वॉन्टेड सीरीज़। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।